ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से देश में तेल की किल्लत होने लगी है। पेट्रोल डीजल के लिए जरूरी कच्चे तेल खरीदने में सरकारी तेल कंपनियां भारी नुकसान झेल रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 से 12 रुपए तो डीजल पर 23 से 25 रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में पेट्रोल पंप तेल की आपूर्ति न होने से सूखने लगे हैं। लोगों में ये खबर फैलने के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। लोग पैनिक खरीदारी कर रहे हैं। वहीं बता दें कि स्थिति पर काबू पाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल की बिक्री पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन रूल को लागू कर दिया है। नए सिस्टम के तहत सभी सरकारी व निजी कंपनियों को सरकार के नियमों को मानना होगा। पेट्रोल पंप रिटेलर्स को अब सरकार के तय समय के अनुसार ही पेट्रोल पंप खोलने और बंद करने की इजाज़त होगी। यही नहीं, पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई के लिए पर्याप्त स्टॉक भी रखना जरूरी होगा। लोगों की पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप पर जुटी भीड़ को काबू करने के लिए प्राइवेट आउटलेट पर अब महंगा तेल बेचा जा रहा है। इससे तेल के लिए लोगों की भीड़ कम होने से मदद मिल रही है, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बना ही हुआ है। बता दें पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्रूड ऑयल के $85 प्रति बैरल के हिसाब से रखी गई है। इस कारण ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का नुकसान सरकारी तेल कंपनियों के सर पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।